दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज मॉल में आप लोगों का स्वागत है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के जीके के वीडियो में मैं मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बता रही हूँ, तो आइए देखते हैं। पहला है कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होती है, तो वो होती है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल हम जिसे बोलते हैं। इसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल, इन तीनों में से कुछ भी, तीनों एक ही है। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे लंबी तंत्रिका, अब शरीर में एक तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र क्या है, हमारे पूरे शरीर में एक जाल के तरह बिछा हुआ है, तो उन सब में भी सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, यह होती है सियाटिक, और यह हमारे पैर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी पेशी, होती है स्टेपीडियस, सबसे छोटी पेशी होती है। और सबसे बड़ी पेशी जो होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपीडियस, और जो सबसे बड़ी पूछी जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, की बात की जाए तो वो होता है लीवर, यानी कि यकृत भी हम कहते हैं जिसे हिंदी में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड, जिसे हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि को ग्लैंड भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो जब पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तब होगा यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्रंथि। और एक कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अग्नाशय हो जाता है, मिश्रित पूछे तब। अब नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह 2 से 5 दिन, श्वेत रक्त कणिकाओं को हम बोलते हैं WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कभी कभी 2 से 4 दिन भी दिया हुआ रहता है, तो जो ऑप्शन में इस तरह इसके नजदीक मिले तो वही आप कलर कीजिए। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है, वह होता है 20 से 120 दिन तक, 20 से 120 दिन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, होती है फीमर, और यह कहाँ पाई जाती है, तो थाई में, यह थाई में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यह होती है स्टेप्स, और यह कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सबसे कहीं कहीं पे स्टेपीडियस इस तरह से करके या स्टेप्स इस तरह करके, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेप्स जो होता है हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है, और यह हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है मोनोसाइट, कहा जाए तो कौन सा, मोनोसाइट। और शरीर में नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा सिरा की वेन होता है जो शरीर में, उसे हम लोग वेन कहते हैं इंग्लिश में, और सिरे में सबसे बड़ा सिरा होता है इन्फीरियर वेना कोवा, इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, या पूछा भी गया है बहुत बार, तो ये इसका होता है सबसे बड़ा सिरा कौन सा, तो इन्फीरियर वेना कोवा। नेक्स्ट है कि शरीर में गुर्दे का भार, यानी कि जैसे कि हम लोग किडनी कहते हैं इंग्लिश में, कि गुर्दे का भार जो होता है वह होता है 140 ग्राम। नेक्स्ट है पल्स दर, पल्स का जो रेट होता है वह होता है 72/m, यानी कि 72 बार, जो हमारा जो हार्ट बीट होता है उसी के अनुसार हमारा जो पल्स, देखते होंगे जब भी डॉक्टर चेक के पास जाते हैं तो हमारी जो वो कभी कभी धड़कने चेक करते हैं, तो हमारे पल्स को यानी कि पल्स रेट जो पता करते हैं, तो वो होता है कितना हमारा, 72/m। सबसे पतली त्वचा होती है कंजक्टिवा, या इसको कंजक्टिवा कुछ भी इस तरह
तरह से आपको मिला लिखा हुआ मिल सकता है ये। तो सबसे पतली त्वचा होती है ये, और यह होती है कहाँ पे, तो आंख में पाई जाती है ये। नेक्स्ट है कि मूत्र का पीएच मान होता है 6.0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, इसे यूरिन भी कहते हैं इंग्लिश में यूरिन। और यह होता है, इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान 7.3 होता है, और इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। और ऐसे भी पीएच मान जो होता है हमारा, कि अगर मान लिया जाए आपको ये दिया हुआ है इस तरह से कि कितना होता है, तो और पूछा जाएगा आपसे अम्लीय है या क्षारीय, तो इसमें घबराना नहीं है, 7 से कम जो हो उसे हम लोग अम्लीय कहते हैं, वो अम्लीय प्रकृति की होती है, और 7 से जो ज्यादा होता है वह कहलाता है क्षारीय प्रकृति का। तो अम्लीय, ये देखिए मूत्र का जो यूरिन का पीएच मान जो है यह है 6, यानी कि 7 से कम, यानी इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और ये रक्त का पीएच मान 7.3, यानी कि 7 से ज्यादा है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति। फिर है कि पित्त का पीएच मान होता है 7.5, और ये भी चूंकि 7 से ज्यादा है, तो यह भी इसकी प्रकृति भी कैसी होगी, तो क्षारीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या की का बात की जाए तो 24, और कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी पसलियां होती है। नेक्स्ट है कि शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो पेशियों या मांसपेशियों कुछ भी पूछा जाएगा इसमें कि कितनी होती है, तो 639। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग होता है हमारा त्वचा, यानी कि स्किन। नेक्स्ट है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या हो कितनी होती है, तो 22। शरीर में जो अमीनो अम्ल पाया जाता है, अमीनो एसिड वह 22 प्रकार का पाया जाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 22। तो शरीर में गुणसूत्रों, नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की जब संख्या की बात की जाए तो 46 होता है, और जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि, या और यह होती है सबसे छोटी। यकृत में, नेक्स्ट है कि यकृत में विटामिन, कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए संचित होता है। नेक्स्ट है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि इसमें ऐसे भी पूछा जाएगा कि अंतिम रूप से जो अवशोषण होता है, पाचन हुआ, किसमें होता है, तो वह किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो ये होता है आपको हाइपोथैलमस ग्लैंड के द्वारा, हाइपोथैलमस ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, तो श्वेत रक्त कण को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, वह होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो वह है एनामेल, और एनामेल कहाँ पाया जाता है, तो दांतों में पाया जाता है, दांतों के ऊपर जो परत रहती है, तो वो उसे ही हम लोग कहते हैं एनामेल। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कहलाता है हमारा प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। नेक्स्ट है कि मानव सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो मानव सिर में जो हड्डियां पाई जाती है वह 29 हड्डी पाई जाती है। और अगर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, या फिर कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा 8। सिर में पूछा जाएगा तो 29, और कपाल या खोपड़ी में पूछा जाए तो 8। तो आज की जीके की ये क्लास थी, और जीके का वीडियो आज आप लोग को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।